नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। हरियाली तीज की पूजन विधि। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। यही होती है हरियाली तीज। देश के बड़े भाग में आषाढ़ तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दोनों दिन अलग हैं, लेकिन पूजन एक जैसा होता है। ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। कई जगह इस दिन को कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सुहागने इस दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। विष्णु पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि किन तृतीया तिथियों का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथिनी को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तभी से इस दिन हरियाली तीज को धूमधाम से मनाने और व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत यानी पूरा दिन बिना भोजन जल के रहती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। ये दिन बहुत खास है तो इसकी पूजा भी खास होती है। हरियाली तीज की पूजन विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन और लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।